हेलो गाइस, वेलकम टू वीआईपी ट्रेडिंग ऑफिशियल। आज फिर से मैं आ गया हूँ यूट्यूब पर लाइव, जहाँ पे मैं बताता हूँ वीआईपी स्ट्रेटजीज। गाइस, तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस इंडिकेटर के बारे में, 151 स्ट्रेटजी का थर्ड सीरीज। दिस इज थर्ड सीरीज ऑफ 151 स्ट्रेटजी। गाइस, इन दिस वीडियो आई लेट यू नो हाउ दिस थर्ड इंडिकेटर वर्क्स वेरी वेल फॉर 5 मिनट ट्रेड्स। आज की इस वीडियो में गाइस समझेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करेगी, किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बताऊंगा कि किस किस डायरेक्शन में कब कैसे आपको एंट्री करना है, कब कैसे आपको एग्जिट करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और वीआईपी अकाउंट अगर आपका कोई नहीं है ओलम ट्रेड पर, तो भाई उसका लिंक भी मैंने आप सभी लोगों के लिए नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से जाके रजिस्ट्रेशन मार दो यार, और मेरे को ओलम ट्रेड की आईडी भेज दो, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में फटाफट से ज्वाइन कर दूंगा। देर इज़ नो कंडीशन, कोई ज़्यादा आपको डिपॉजिट नहीं करना होगा यहाँ पे, 10-20 जितना आप करना चाहो उतने से आप वीआईपी ज्वाइन कर लोगे गाइस। तो ज़्यादा सोचना विचारना नहीं यार, सोचने विचारने के चक्कर में बहुत कुछ आपका टाइम वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, आगे टाइम वेस्ट मत करो प्लीज़। अंडरस्टैंड गाइस, सोचो मत, थिंक लेस डू मोर। ओके सो गाइस, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी को हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा यार। आप लोग अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप कोई और काम भी कर रहे हो साथ साथ, तो प्लीज़ यार 10 मिनट के लिए आप वो काम छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे ये वीडियो आपका लाइफ चेंज करने वाला है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है गाइस, जैसे ही आप ओलम ट्रेड का कोई नया अकाउंट बनाते हो, नीचे दिए गए लिंक से, तो आपका अकाउंट पहली बार में ही बहुत जल्दी से वीआईपी हो जाता है। इसके साथ साथ 30-50% का बोनस मैं आपको दे दूंगा ऑन डिपॉजिट, राइट। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हो, आपका जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे दिखता है। तो इस इंटरफेस में मुझे कुछ करनी होगी सेटिंग्स इन 151 थर्ड स्ट्रेटजी, राइट। सो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे भी पता रहे कि कौन सी स्ट्रेटजी है, किस स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं बार बार, सो दैट कि आप लोग भी सही से उसको समझ पाओ, ठीक है। ओके सो गाइस, दिस इज 151 थर्ड स्ट्रेटजी, एंड इन दिस थर्ड स्ट्रेटजी वी विल यूज सम यूनिक इंडिकेटर, एंड दैट इंडिकेटर कैन बी योर लाइफ चेंजिंग गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा होगा अभी तक हमने हैकिंस ऐसी कैंडल यूज़ करी है, ज़्यादातर केसेस में हमने हैकिंस ऐसी कैंडल यूज़ करनी है। यहाँ पे गाइज आपको यूज़ करना है जापानीज कैंडल स्टिक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको सेट करना है जापानीज कैंडल स्टिक्स। इसके साथ साथ यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा इंडिकेटर मिल जाएगा, जिसका नाम है WMA, राइट। जैसे ही आपको WMA मिल जाता है, WMA के एडिट सेक्शन में बहुत जल्दी चले जाओ, जितना जल्दी चले जाओगे उतना जल्दी आप चीज़ों को समझने भी लगोगे। तो यहाँ आप जो आपको वैल्यू दिख रही है 14 गाइस, इस वैल्यू को करना है आपको 11। कितना जो वैल्यू इसकी आपको 14 दिख रही थी, इस वैल्यू को आपको कर देना है 11। जैसे ही ये वैल्यू 11 हो जाती है, आपके अकाउंट में जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अब और कोई भी फर्दर चेंजेस आपको नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू, राइट। सो गाइज, इन दिस 151 स्ट्रेटजी पार्ट 3 यू विल लर्न दैट हाउ WMA, ओनली WMA कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। यहाँ पे आपको 151 थर्ड पार्ट में यह आपको सीखने को मिल रहा है कि WMA सिर्फ और सिर्फ गाइस WMA की बेसिस से, WMA को यूज़ करके आप यहाँ पे अपनी हर ट्रेड गाइस गारंटी दे रहा हूँ। जो लोग लॉस कर रहे हैं भाई, माथा पच्ची मत करो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जहाँ पे तुम्हारा लॉस हो रहा है। फटाफट से जाके VIP ट्रेडिंग ऑफिशियल ज्वाइन कर लो, कम सिग्नल लो लेकिन प्रॉफिट तो करो मेरे यारो। यहाँ पे WMA ने धूम मचा रखी है। देखो WMA इंडिकेटर मैंने यूज़ कर लिया है, और ज़्यादा यहाँ पे मैं कोई झोल झाल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे साफ साफ आपको मैंने बता दिया है कि WMA
जब आप यूज़ करोगे सेम स्ट्रेटजी के साथ, सेम इंडिकेटर के साथ, सेम टाइमिंग के साथ और सेम एंट्री और एग्जिट को समझने के बाद, तो आपको यहाँ पे कोई भी गाइस रोक नहीं सकता प्रॉफिट बनाने से, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी है। अब स्ट्रेटजी तो गाइस देखो, स्ट्रेटजी का तो काम है इंप्लीमेंट होना, तो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब करना क्या है? अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं गाइस जिसको मैं बोलता हूँ, और पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी लोगों से। एक तो होता है आपका एंट्री पॉइंट और एक होता है आपका एग्जिट पॉइंट, राइट। ये है आपका एंट्री, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ गाइस मार्कर से, दिस इज एंट्री एंड दिस इज एग्जिट। तो गाइस इससे पहले अभी हाल ही में मैंने एक गिवअवे अनाउंस किया था, उस गिवअवे अनाउंस में मैंने बताया था कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स आने की वजह से ये मार्केट मूव होती है। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझो कि ये कैंडल मूव कैसे हो रही है, और यहाँ पे आपको दो बटन दी गई हैं, राइट। यहाँ पे एक डाउन की बटन है, एक अप की बटन है, ठीक है। डाउन का मतलब क्या है और अप का मतलब क्या है? देखो अप का मतलब है, डाउन का मतलब सीधे सीधे है आपके एग्जिट से, ठीक है। यहाँ पे है आपका एग्जिट और यहाँ पे है आपका एंट्री। गाइज इससे अच्छा मैं नहीं समझा पाऊँगा और इससे अच्छा आपको कहीं समझ में भी नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट। ये है आपका एंट्री और ये है आपका एग्जिट, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। दीज आर नॉट पॉइंट्स, दीज आर जस्ट बटन्स। देखो एंट्री का और एग्जिट का जो रिलेशन है वो अप एंड डाउन बटन के साथ है। अब इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो कैंडल्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही होगी, या फिर जो कैंडल्स है वो गाइस डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही होगी। तो जैसे ही कैंडल जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रही होगी, आपको ट्रेड उस डायरेक्शन में लगानी है। अब ट्रेड लगानी क्यों है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे कम से कम इतना तो बताया गया है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। मान के चलो आपने कोई एक शॉप ओपन करी, आपने कोई एक शॉप ओपन करी, ठीक है, ये आपकी शॉप है। आप अपनी शॉप में जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे, यार मुझे एक बात बताओ, किसी एक प्रोडक्ट की कीमत है, मान के चलो आप कोई मोबाइल सेल करते हो जिसकी कीमत है 10K, ठीक है, इसकी कीमत है 10K। ये जो 10K कीमत है, मैं इस 10K कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ योर मार्केट वैल्यू, दिस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल। इस मोबाइल की जो मार्केट वैल्यू है वो है 10K। अब आपको ये मोबाइल जब सेल करने होंगे, ये मोबाइल जब आपको सेल करने होंगे, तो ऑब्वियसली गाइज 10K से कुछ कम में मिलेंगे, तभी तो आप सेल करोगे, तभी तो आप इनको परचेज करोगे, तभी तो आप इनको परचेज करने के बाद सेल करोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब अगर आपको ये 10K का मोबाइल अगर आपको यहाँ पे 10 5K का मिल रहा है, मतलब 10,500 का अगर कोई मोबाइल आपको मिल रहा है, तो आप इसको लेना पसंद करोगे? और अगर आप इसको लेना पसंद करोगे तो भाई कितने में आगे बेचोगे? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात आपको इतना समझना चाहिए कि अगर मैंने कोई यहाँ पे शॉप ओपन कर रखी है, उस शॉप में मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जिसकी और जो प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा, तो मुझे उसमें फ़ायदा कब होगा? मुझे उसमें फ़ायदा तब होगा जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, तो उस टाइम पे मैं बल्क में परचेज़ कर दूँगा, और उसके बाद जैसे ही उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हायर होगी, मैं वहाँ पे सेल कर दूंगा। तो जब मैं सेल करूंगा, उसको बोलते हैं हम एग्जिट पॉइंट, ठीक है। और जब मैं किसी चीज़ को परचेज़ करूँगा इन द सेंस, उसको बोलते हैं हम एंट्री पॉइंट। मतलब अगर यहाँ पे इसकी कॉस्ट अभी यहाँ चल रही है, इस पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट यहाँ चल रही है, ससेट की ये कॉस्ट अगर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ये कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो डेफिनेटली गाइस प्राइस आप देख सकते हो कि जिसके प्राइस यहाँ तक गए हों और उस चीज़ के प्राइस आज यहाँ हैं, तो यहाँ पे हमें परचेज करने में फ़ायदा है। परचेज करने में फ़ायदा इन द सेंस कि अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा सेलर्स इस चीज़ को परचेज करेंगे, और जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ जाएगी वैसे इसको वो सेल आउट कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो चल रहा है आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट की वजह से,
एंट्री और एग्जिट पॉइंट मतलब कि जो लोग बायर्स हैं, जैसे ही ज़्यादा बायर्स आ जाएंगे या फिर जैसे ही ज़्यादा सेलर्स आ जाएंगे तो जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं ये भी चेंज हो जाएंगे। ये आपके कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे ही ट्रेड लगा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लगाओगे, ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लेस करोगे। तो गाइस ये जो चीज़ डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है आपके बायर्स और सेलर्स पर, और वो भी डिपेंड करता है पूरी की पूरी मार्केट की सिचुएशन पर कि मार्केट की जो करेंट सिचुएशन है वो क्या है। तो यहाँ पे ज़्यादा ना देर करते हुए मैं बढ़ जाऊँगा थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे मैं एक दूसरी करेंसी पेयर लूँगा, और उस दूसरी करेंसी पेयर में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कब एंट्री लेंगे हम और कब हमको एग्ज़िट करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे देखो, मैंने GBP USD सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी जो इस प्राइस की वैल्यू थी ऑलरेडी यहाँ पे हाई हो चुकी है। अब यहाँ पे जो जितने भी सेलर्स हैं वो इसको सेल आउट कर देंगे, तो जब सेल आउट कर देंगे, ठीक है, तो जब सेल आउट करेंगे तो ऑब्वियसली गाइज मार्केट जो है मार्केट वो एकदम डाउनवर्ड की तरफ आने लगेगा। यहाँ से मार्केट पूरा डाउनवर्ड की तरफ आने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है पेज, वन सेकेंड, ओके। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, एंट्री हमें कब लेनी चाहिए थी, एंट्री हमें यहाँ लेनी चाहिए थी बिकॉज मार्केट का प्राइस यहाँ पे एकदम लोएस्ट था। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पे हम एग्जिट भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे तो अब ये जो वैल्यू इसकी नीचे आ रही है यहाँ पे कहीं एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी यार, एंट्री पॉइंट कहाँ मिलेंगे, एग्जिट पॉइंट कहाँ मिलेंगे। मैं ये मार्केट की चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही ऐसे हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग विन करते हो। गाइज ये दिमाग में बैठा लो, कोई अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पे आपको ये जो जो बिजनेस माइंड है ना, जो धंधे वाला आइटम है ना, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि चीज़ें कब सस्ती होती हैं, कब महंगी होती हैं। अगर कोई व्यापारी है वो अपना व्यापार कर रहा है तो उसको कब फ़ायदा होगा, जब उसको वो सस्ते में मिलेगा माल। यार सिंपल सी बात है, आप लोग इतना ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो माल है वो जो भी यहाँ पे अगर आप एग्जिट करोगे तो डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज जिसने यहाँ पे एंट्री किया होगा, जिसने इस पॉइंट पे एंट्री किया होगा और इतने उसके प्राइस बढ़ गए तो वो यहाँ पे कहीं पे भी अपना एग्जिट कर सकता है। तो ये तो रही एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बात। अब हम सीधे सीधी बात करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे। देखो मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए ही मैंने आपको बताया है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो जब आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट का अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट है, कहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट हो सकता है, तो आप डेफिनेटली आपको कभी भी प्रॉफिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट है इसको मॉनिटर करता हूँ और देखता हूँ कि इसका जो ट्रेंड है वो कहाँ है। हर मिनट में, हर सेकंड में, इवन आप जितने भी टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे टाइमिंग चेक करोगे गाइस, वो टाइम आपका जो है वो पूरा टाइम आपका जो मार्केट है बिल्कुल एकदम डिफरेंट चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। आप कभी भी ये कंसिडर नहीं कर सकते कि नहीं हमने तो यहाँ पे ऐसे प्लेस किया हुआ है और ये मार्केट हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा, ऐसा नहीं है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट अपवर्ड ट्रेंड में है, और मैं अगर 10 मिनट का यहाँ पे चार्ट मॉनिटर करता हूँ तो भी लगभग अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। अब मैं 30 मिनट का यहाँ पे चार्ट जब मॉनिटर कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्टली WMA यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई डाउनवर्ड ट्रेंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 5 मिनट की ट्रेड आप डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। इस ट्रेड को पूरा मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करने के बाद में देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है। एक यहाँ पे और ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, रिवील करूँगा वीडियो के लास्ट में। पूरा वीडियो देखो आपको समझ में आएगा। यार चैनल पे पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूला करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। 1 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे फिर से मॉनिटर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में कितनी बड़ी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, मतलब कितना जो मार्केट का एंट्री पॉइंट कहाँ था और मार्केट का एग्जिट पॉइंट कहाँ है ये भी आपको पता चल रहा होगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट में भी गाइस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप सभी को समझना चाहिए। हर किसी के लिए एंट्री पॉइंट कोई दूसरा हो सकता है, हर किसी के लिए कोई एग्जिट पॉइंट भी दूसरा हो
हो सकता है। तो ऐसा कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे कि नहीं जो पॉइंट एंट्री पॉइंट मेरे लिए है वो एंट्री पॉइंट आपके लिए भी होगा, नहीं। इसका मतलब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है तो हो सकता है मैंने यहाँ पे करी हो सकता है किसी तीसरे बंदे ने यहाँ पे करी हो, और इन तीनों ने ही अगर तीनों के लिए ही ये एंट्री पॉइंट थे तो हो सकता है ये वाला जो है ये सभी के लिए एग्जिट पॉइंट हो जाए। हो सकता है कि तीनों तीनों इस टाइम पे तीनों जो भी ट्रेडर्स थे जिन्होंने जो चीज़ परचेस करी थी वो यहाँ पे आके सेल आउट करते हैं। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों ही ऐसे पहलू हैं जिनको आप समझ के आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, बशर्ते आपको इन दोनों पॉइंट से ट्रेंड को समझना है, मार्केट के ट्रेंड को समझना है। यहाँ पे आपको WMA गाइस पूरा इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट की जो सिचुएशन है वो किस डायरेक्शन में मूव होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट की सिचुएशन है किस डायरेक्शन में मूव होगी, ये पूरा आपको बताता है WMA इंडिकेटर। वैल्यू इसकी आपको रखनी है 11, इससे कम वैल्यू रखोगे रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। जिन भाई लोगों को अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर लो, VIP ग्रुप में ज्वाइन कर लो। अगर आपको लॉस हो जाए ना तो पैसे मेरे से ले जाना यार, और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे गाइज एज ए गाइडेंस की तरह एज ए टीचर एज ए कोच मैं आपको यहाँ पे कितनी हेल्प कर रहा हूँ। अभी मैंने गिव अवे निकाला, गिव अवे में बहुत लोगों की किस्मत चमकी है, लगभग 5-6 लोगों की किस्मत इस बार चमकी है, जिसमें 1500 से लेके 1000 का जो डॉलर का जो अमाउंट था वो दिया गया है। उनके स्क्रीनशॉट भी मैंने भेज दिए हैं ऑलमोस्ट इन ग्रुप्स। तो गाइज ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। ज़्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत भटको, और जो है VIP ट्रेडिंग ऑफिशियल का जब एक बार चैनल ज्वाइन कर लोगे ना तो भूल जाओगे कि दुनिया में कहीं और भी ट्रेडिंग होती है या नहीं होती है। बिकॉज यहाँ पे जो कंसिस्टेंटी है, कंसिस्टेंटली आई एम जस्ट गिविंग वेरी वेरी हाई एक्यूरेट सिग्नल्स गाइज, वो सिग्नल ऐसे हैं जिनको आप कोटेक्स में यूज़ करो, उनको आप IQ ऑप्शंस में यूज़ करो, उनको आप बाइनोमो में यूज़ करो, उनको आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ कर सकते हो। तो जब भी यूज़ करोगे छाप लोगे जितना छाप पाओगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर यार। मैंने मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको मैं आपको ऐसा यहाँ पे बना रहा हूँ जिससे आप इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आपको कोई फिर ये ना कहे कि यार नहीं तेरे से ट्रेडिंग नहीं आती। कोई अगर आपको ये बोल रहा है ना कि यार यहाँ पे लॉस हो रहा है तो उसका मुंह बंद कर देना यार। तुम लोग उसको दिखाना कि देख भाई ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, और उसके बाद ही देखो मेरी बात समझो। आपने कोई नई बाइक खरीदी, उस नई बाइक पे आपने अगर जानते नहीं हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप उसको चलाओगे तो ऑब्वियसली यार गिरोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यार कार आपके हाथ में है, बाइक आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में, यार चलाना सीखो। मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। यार गाइस प्लीज़ बी मोटिवेटेड, जो लोग थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर लो, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जितना ज़्यादा उन लोगों के करीब रहोगे उतना फिर वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और आप ना चाहते हुए भी आपका लॉस वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो। समझ में ना आए एक नहीं, दो बार नहीं, 10 बार मेरा वीडियो देखो, ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही तो कोई और स्ट्रेटजी जाके देखो, बट देखो, ठीक है, सीखो। मत करो लाइव ट्रेडिंग, मत करो तुम्हारा जो लाइव अकाउंट है उसमें मत करो, बट डेमो में करो यार। 10,000 का डेमो बैलेंस मिल रहा है, इसके साथ साथ जब भी आप डिपॉजिट करोगे 50% का बोनस मिल रहा है। चाहिए क्या ही जिंदगी जीने के लिए यार, कोई छोटा मोटा काम करोगे उसमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। 1 से 2 मिनट में इतना छाप लोगे जितना तुम लाइफ टाइम में नहीं छाप पाओगे, बट इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू गाइज। सो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। मैं आपको चाबी दे सकता हूँ बट चलाना आपको ही यार, आपको अपना अकाउंट अपने से हैंडल करना है। मैं यहाँ पे पूरा गाइड करता हूँ। 1000 से ज़्यादा लोग सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रॉफिट है वो हम लोग गेन करते हैं। तो गाइस समझ में आ गया होगा, ये जो ट्रेड थी वो हमारी वो प्रॉफिट में क्लोज हो गई है, और इस ट्रेड में भी हमने उतना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया है। जितना इन्वेस्टमेंट होगा गाइस उतना ही प्रॉफिट गेन होगा, यू कैन सी दिस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके साथ साथ कोई कमेंट अगर आप करना चाहो, आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, YouTube का डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, ओलम ट्रेड का भी लिंक मिल जाएगा, कोटेक्स का भी लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना, दे दूंगा भाई, दे दूंगा, कोटेक्स का भी दे दूंगा। नीचे मैंने रख रखा है, यहाँ पे नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम का ज्वाइन जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से,
ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, जितना सोचोगे उतना डिले हो रहा है तुम्हारे लिए। मेरे साथ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपकी चॉइस है कि आपको क्या क्या करना है। आपको थिंक मोर करना है या फिर थिंक लेस डू मोर करना है। सो लव यू गाइस, बाय बाय।